झालमड़ी बहुत तीखा तीखा है, पानी पीना होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोपाल पी ब्लॉग्स। और एक नया ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। गाइस, मेरा चैनल का नाम एवरीडे ब्लॉग्स था, लेकिन मैं किसी कारण वजह से चैनल का नाम चेंज किया हूँ और गोपाल पी ब्लॉग्स रखा हूँ। गाइस, अभी सुबह का करीब 10 बज रहा है और मेरे तरफ से आप सभी का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी हल्दा जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है दुर्गा माता का और दुर्गा मूर्ति जो है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। जो बाबा केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, उसी का बेस से बनाया गया है वहाँ का पंडाल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आप सभी को बहुत सारा वहाँ पर पंडाल और दुर्गा मूर्ति बनता है वो सब पूरा डिटेल्स में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो दोस्तों, क्योंकि अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गया है और नवरात्रि का 3 दिन शायद पार भी हो चुका है, इसीलिए हम लोग जाके देखते हैं वहाँ का तैयारी किस तरह हुआ है। पूरा पंडाल वहाँ पे बन के रेडी हुआ है नहीं है, मूर्ति कितना तक बना है आप सभी को वहाँ पे दिखाऊंगा। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट के बिना मेरा आगे बढ़ पाना नामुमकिन है, इसीलिए गाइज हमको आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अब हम लोग निकलेंगे, हम लोग जा रहे हैं, आ रहा है वो बाइक लेके और हम लोग लेबू चाचा यहाँ पे हैं और इधर देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे पापा वहाँ पे सेव बना रहे हैं और मम्मी देख रही है, लेबू चाचा अच्छा से कैमरा की तरफ देख रहे हैं। देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको तो बता के आए हैं हम लोग जा रहे हैं, जैसा भी होगा वीडियो आपको जो भी होगा वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं दलदल में। पेट्रोल पंप में आए हैं, हम लोग पेट्रोल डालाएंगे, फिर झलदा घुसेंगे। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं झलदा और झलदा मुर्गा और वहाँ देखिए देख पा रहे हैं यहाँ पर पंडाल नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ का जो मूर्ति है अंदर में अभी ढका हुआ है। वो भी मस्त नजारा है, मस्त लगेगा देखने में। ये पूरा इस तरह है और ये बन के जब पूरा तैयार हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी टाइम है दुर्गा पूजा में पूरा फाइनल। अभी तो महाराया 25 तारीख को था, अभी कुछ दिन पार हुआ है और ये कुछ दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बन के। लोग का ब्लॉक है देख पा रहे हैं, झलदा एक नंबर ब्लॉक और ये है झलदा से कहूँ विद्यापीठ स्कूल है और ये स्कूल की वजह से इस जगह का नाम हुआ है स्कूल मोड़। बहुत पुराना स्कूल है, ऐतिहासिक स्कूल है। एक बार यहाँ हम लोग जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे वहाँ वो आए थे यहाँ पे। तो ये दूसरे जगह पे आए हैं हम लोग, ये दूसरा पंडाल है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दुर्गा मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक और पुराना दुर्गा मंदिर है। और ये पंडाल बन रहा है अभी और ये जब बन कंप्लीट हो जाएगा आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। हम लोग यहाँ तो घूमने आएंगे और ये पूरा लाइटिंग लगेगा इस सब में और आपको अंदर में दिखाता हूँ। पंडाल है दुर्गा पंडाल, ये आनंद बाजार नाम है, यहाँ पे बनता है हर साल, हर साल घूमने आते हैं
और ये अंकल जी बनाते हैं, इसका नाम बता दीजिए आपका। मधाई कुमार। ये हम आनंद बाजार वाला भी बना रहे हैं, और कहाँ बना रहे हैं? चौक बाजार में। दो पंडाल, दो दुर्गा मूर्ति और पंडाल दोनों इन्होंने बना रहे हैं, अच्छा लगा मिलके। और कितना दिन से बना रहे हैं आप? हम यहाँ पाँच साल यहाँ हुआ, और चौक बाजार में 3 साल। अच्छा, 5 साल से ये लगातार यही बना रहे हैं ये। फ्राइडे को चालू हो जाएगा। और ये जो ढका हुआ है कब तक खुलेगा? इसका जो अस्त्र शस्त्र है वो नहीं है, अभी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी बन के, इसीलिए अभी ओपन नहीं हुआ। जाएंगे थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग को परमिशन मिल गया है अंदर जाने का, हम लोग बात हो गया है अंकल जी, हम लोग को अंदर घुसने का परमिशन दे दिए हैं, हम लोग अंदर घुसेंगे। और ये जो देख पा रहे हैं इसी वो माता जी को इसी में लाते हैं हम लोग, पालकी है, पालकी बोलते हैं, हम लोग ये अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पे दुर्गा जो प्रतिमा है, दुर्गा मूर्ति है, अच्छा और देखने में बहुत मस्त आएगा, हम लोग जरूर देखने आएंगे। तो आप भी अगर लोकल में हैं तो आ सकते हैं देखने के लिए। ये दोस्तों और एक पंडाल है दुर्गा माता का, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ मूर्ति भी बन रहा है, हम लोग बनते हुए दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं ये मूर्तिकार जो हैं। और ये पंडाल आगे वाला पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अंदर घुसूंगा और दिखाऊंगा जो मूर्तिकार हैं किस तरह दुर्गा माँ का मूर्ति को बना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत कोई है, और यहाँ पे सबको बैठ के देख रहे हैं कि किस तरह का दुर्गा माँ का जो मूर्ति है वो उसको बनाया जा रहा है, और कितना कारीगर लगे हैं इसको बनाने के लिए। 4-5 कारीगर लगे हैं एक साथ इस दुर्गा माँ का प्रतिमा को बनाने के लिए, और सबको मिल के काम कर रहे हैं। ये भी मूर्ति कुछ दिन में बन के कम्प्लीट हो जाएगा, और करीब पंचमी तक सब मूर्ति यहाँ जितना है और पंडाल बन के कम्प्लीट हो जाएगा, और दर्शकों के लिए देखने के लिए ये खोल दिया जाएगा, और पूरी तरह हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। डुप्लीकेट पंडाल बनाया जा रहा है, जैसे बाबा केदारनाथ का टेम्पल है, मंदिर है, उसी तरह पे और एक जगह पे यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसका जो शार्ट जो पेपर जैसा। गाइस मैं जो पंडाल आप लोगों को दिखाना चाहता था, अब लोग देख पा रहे हैं बाबा केदारनाथ का मंदिर है उत्तराखंड में, उसी का यह कॉपी किया गया है, और आप लोग अंदर में जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों पर क्लियर व्यू आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कॉपी किया हुआ है बाबा केदारनाथ मंदिर का, जो है पूरा पंडाल उसी तरह से बनाया गया है। अब हम लोग धीरे धीरे अंदर घुसेंगे, और आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है, कौन सा पंडाल अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं कुछ आप लोग इसका सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा, उसके बाद हम अंदर घुसेंगे। अंदर का जो प्रतिमा है, मूर्ति है दुर्गा माँ का, वो भी भयानक है, देखने में बहुत मस्त है, और बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। आप लोग यहाँ पे नंदी को देख पाएंगे, यहाँ पे है जैसे बाबा केदारनाथ में है उसी तरह यहाँ पे बनाया गया है। बात करने की कोशिश करेंगे, आप लोग बना रहे हैं चाचा? आप लोग कितना दिन से बना रहे हैं ये? अरे 1 महीना हो गया। 1 महीने से काम चल रहा है? कितना दिन कम्प्लीट होगा? हो गया आज हो जाएगा, आज हो गया, बाकी है इधर। आप लोग की कलार में कपड़ा भी दे रहे हैं यहाँ पे क्या? और चाचा बोल रहे हैं कि जैसा वहाँ पे है मंदिर में उसी कलार का डिजाइन भी बनाया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जब लाइटिंग हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो हाइट कितना होगा चाचा?
70 फुट जैसा, 60-70 फुट हाइट होगा इसका। और चाचा से मिलके अच्छा लगा हम लोग को, और चाचा अच्छे से बताए अंकल से हम लोग झालमुड़ी बनवा रहे हैं, झालमुड़ी खाएंगे। तो दो हमको ही देना चाचा, हमको झालमुड़ी दे रहे हैं, झालमुड़ी बना रहे हैं। और ये अंकल भी मिस्त्री हैं यहाँ के बनाने के लिए। क्या अंकल? कलर मिस्त्री। वो कलरिंग कर रहा है साइड में जो है। और कितना दिन से कलरिंग कर रहे हैं? 8 दिन से। और कितना दिन से मतलब आप काम कर रहे हैं, कब से शुरू किए? मतलब कितना एज से, कितना साल हो गया ये सब करने का? 30 साल। अंकल जी 30 साल से कलरिंग कर रहा है। झालमुड़ी हम लोग को मिला, लेकिन झालमुड़ी उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना ही होगा। अभी झालमुड़ी बहुत तीखा तीखा है, पानी पीना होगा। इतना तीखा झालमुड़ी दे दिया और उतना अच्छा भी नहीं लगा। मुड़ी जो था वो पुराना मुड़ी था। गाइस आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा पंडाल अच्छा लगा, कौन सा मूर्ति अच्छा लगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है हमको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट दमदार और एक नया ब्लॉग में।